रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। अपनी बैड बॉय इमेज को सुधारने के लिए सलमान खान ने छेड़ी कौन सी नई मुहिम। सोनाक्षी सिन्हा ने रणवीर सिंह का कौन सा खास सीक्रेट मीडिया के सामने किया रिवील। और दिखाएंगे जॉन अब्राहम और उनकी मॉम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड में बैड बॉय की इमेज रखने वाले सलमान खान ने अपनी इमेज सुधारने के लिए शुरू की है एक नई मुहिम। क्या है सलमान की ये मुहिम और क्या सलमान हो पाएंगे इसमें कामयाब? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। जिन सलमान खान ने कभी किसी से अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं मांगा, ना तो अपने फैन से और ना ही मीडिया से। Why do you care? I do care. Why do you care? People want to. उन्हीं सलमान खान को अब सता रही है अपनी इमेज की चिंता। किसने कहा? अब तक मीडिया और पब्लिक में जैसी मर्जी सलमान ने अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट किया, कभी अपनी इमेज खराब होने की परवाह नहीं की। मीडिया, अगर आप सलमान खान की तरह बिहेव करेंगे तो कैसा चलेगा? ये धक्कम दुक्की की चीज मुझ पे छोड़ो। पर अब उन्हीं सलमान ने अपनी इमेज चेंज करने के लिए शुरू कर दिया है एक बड़ा कैंपेन। किसने कहा? किसी और ने नहीं कहा सलमान भाई, बल्कि आपकी ही नई वेबसाइट से आया है ये पैगाम। जी हाँ, सलमान खान के जिस इमेज बदलने वाले कैंपेन की बात हो रही है वो उन्होंने शुरू किया है इंटरनेट पर। सलमान की ये वेबसाइट है www.salmankhanfiles.com। इस वेबसाइट को खोलते ही आपको खुद सलमान खान का एक मैसेज मिलेगा जिसमें सलमान ने कुछ इस तरह जताई है उन पर चल रहे केसेस की वजह से इमेज बिगड़ने की चिंता। Certain court cases are filed against me. There's a widespread media reporting of these cases. The reports are sometimes inaccurate and misleading and cause damage to my reputation, both professional and personal. बस अपनी इमेज को खतरे में पड़ता देख सलमान खान ने उन पर चल रहे केसेस का अपडेट खुद अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। इस वेबसाइट पर सलमान खान पर चल रहे केसेस का लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करने की जिम्मेदारी सलमान खान ने अपने लॉयर्स को दी है। नतीजा सामने है। साइट पर सलमान खान पर चल रहे हिट एंड रन केस के सारे अपडेट्स पोस्ट किए गए हैं। जून 10 को हुई कोर्ट की उस हियरिंग का डिटेल भी है जो मुंबई में हैवी रेन्स की वजह से कोर्ट का स्टाफ ना पहुंच पाने पर अजर्न कर दी गई थी। उसके बाद जून 24 को इसी एक्सीडेंट केस में सलमान की प्ली रिजेक्ट किए जाने और सेशंस कोर्ट में जुलाई 19 से शुरू होने वाली केस की रिट्रायल का डिसीजन भी अपडेट किया गया है। सलमान अपने केसेस से जुड़े अपडेट खुद की वेबसाइट पर पोस्ट करवाने का काम शायद इसलिए करवा रहे हैं कि अगर कोई मीडिया रिपोर्ट सलमान के केस से जुड़ी कोई मिसलीडिंग न्यूज स्प्रेड करे तो उनके फैंस और चाहने वाले सलमान की साइट पर जाकर फैक्ट्स को चेक कर सकें, क्योंकि अब तक अपनी पर्सनल लाइफ पर सलमान ने गिने चुने मीडिया हाउसेस से ही खुलकर बात की है। आई हैव टू केसेस कमिंग अप डिवाइडेड इनटू वन केस डिवाइडेड इनटू फाइव इन जोधपुर, वन हियर इन इन द एक्सीडेंट केस इन मुंबई। सो God forbid something happens. I mean, on merit, we will win. But what if we don't win? It is going to come up here, next year, or the next year. In 1, 2, 3 years, going to come up. Whatever the saza will be, 6 months, 8 months, year, 2 years, 5 years, 10 years. Whatever it is, I'm ready to face it. Now, if I get married now, is it going to be fair on my wife to be? Is it going to be fair? If I have a child or my kid, then where's Papa? Papa's in jail. Where's your husband? In jail. It's not. So let all these things clear, and then I'll get married. अब ये तो क्लियर है कि इतना खुलकर मीडिया में सबसे बात करने की आदत तो सलमान को है नहीं। शायद इसीलिए उन्होंने मीडिया या किसी और की बजाय इस वेबसाइट को बनाया है अपने केसेस का एक्चुअल अपडेट अपने फैंस तक पहुंचाने का मीडियम। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सलमान की इस
मुहिम को देखकर क्या आपको भी लगता है सलमान अपनी बैड बॉय इमेज को सुधारने में हो पाएंगे कामयाब? आप भी अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन ट्विटर @ZoomTV with #PVNews। रिसेंटली फिल्म लुटेरा को प्रमोट करने एक इवेंट पर पहुंची सोनाक्षी सिन्हा ने रणवीर सिंह का सबसे बड़ा सीक्रेट मीडिया को बता दिया। क्या है रणवीर का ये सीक्रेट? लेट्स फाइंड आउट। This being your first film with Ranveer, we obviously would want to know, is he as chivalrous as he just showed us in real life as well? No, give it the mic. I'll answer. That was just for a photo op. So yeah, that was just for a photo opportunity. रणवीर सिंह का सबसे बड़ा सीक्रेट पूरी मीडिया के सामने सोनाक्षी सिन्हा ने कर दिया रिवील। जी हाँ, हर इवेंट और फंक्शन पर अपनी हरकतों और स्टाइल से लाइमलाइट बटोरने वाले रणवीर सिंह ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए करते हैं। और रणवीर सिंह का ये सबसे बड़ा सीक्रेट सोनाक्षी सिन्हा ने मीडिया के सामने रिवील कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप किसी इवेंट पर रणवीर सिंह को उछलते कूदते या फिर कुछ अटपटा करते हुए देखें तो समझ जाइएगा रणवीर ये सब जानबूझकर केवल कैमरा के लिए कर रहे हैं। मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की तो यहाँ जब मीडिया ने सोनाक्षी सिन्हा से उनके 100 करोड़ क्लब की फिल्म्स के बारे में एक सवाल पूछा तो देखिए कैसे रणवीर सिंह यहाँ भी लाइमलाइट ले उड़े। जब भी ऐसे सोनाक्षी की कंसिस्टेंसी और कमर्शियल सक्सेस की बात की जाती है एक पंच आना चाहिए, सोनाक्षी सिन्हा द 100 करोड़ प्रिंसेस। वेल, रणवीर अब तो आपकी फिल्म लुटेरा कम्प्लीट हो चुकी है, ऐसे में नेक्स्ट टाइम अगर आपको सोनाक्षी के साथ फिर से काम करने का मौका मिले तो अपने प्रोड्यूसर को जरूर बोलिएगा कि ये डायलॉग फिल्म में डालें। जब भी ऐसे सोनाक्षी की कंसिस्टेंसी और कमर्शियल सक्सेस की बात की जाती है एक पंच आना चाहिए, सोनाक्षी सिन्हा द 100 करोड़ प्रिंसेस। मूविंग ऑन, इस इवेंट पर एक इंटरेस्टिंग बात तब हुई जब रणवीर से किसी ने उनकी मूंछों के बारे में पूछ लिया। आई एम वेरी अटैच्ड टू माय मस्टैच, आई लव ट्विलिंग इट। हां जी, दबंग में है, इट्स अ लिटिल मोर सिमिलर टू राउडी, बट व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट इज दैट हैंडल बार्स आर बैक। अगर आप देखो शिखर धवन ने रखे हैं, रविंद्र जडेजा ने रखे हैं, एंड देखो उनकी लक कैसे चमक गई, वी हैव लिफ्टेड द कप थैंक्स टू द हैंडल बार्स। सो आई होप माय हैंडल बार्स आर एज लकी फॉर मी एज दे हैव बीन फॉर टीम इंडिया। देखा आपने, रणवीर सिंह ने मूछों के सवाल पर दबंग से लेकर राउडी राठौड़ और यहाँ तक कि इंडियन टीम को भी इसमें खींच लिया। वैसे जब सोनाक्षी सिन्हा से पूछा गया कि उन्हें अपने किस को-स्टार की मूंछ सबसे ज्यादा पसंद है तो देखिए सोनाक्षी ने कैसे इसका जवाब डिप्लोमेटिकली दिया। वो टाइम टाइम की बात है, जिस फिल्म किस वक्त प्रमोट हो रही है वही बेस्ट लगता है। वेल, सोनाक्षी सिन्हा को अच्छी तरह से पता है कि कॉन्ट्रोवर्शियल सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है। वैसे यहाँ लुटेरा की इंटेंस लव स्टोरी की बात भी हो रही थी, ऐसे में जब रणवीर सिंह से पूछा गया कि उनकी आइडियल लवर कैसी होनी चाहिए तो देखिए शर्माते हुए रणवीर सिंह ने क्या कहा। जो मुझे कंट्रोल कर पाए वैसी होनी चाहिए। अब रणवीर, आपको संभालने वाली लड़की तो बॉलीवुड में मिलने से रही, तो अपनी सर्च बाहर भी अभी से शुरू कर दीजिए। कुछ सालों में ऐसी लड़की आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। फॉर सलमान खान, जूम मुंबई। कल रात लगभग 3 बजे जूम के कैमरा ने शाहरुख खान के साथ एक एक्ट्रेस को किया स्पॉट। कौन थी ये एक्ट्रेस? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। चेन्नई एक्सप्रेस के प्रोमो में शाहरुख और दीपिका की केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, और ऑन स्क्रीन इस शाहरुख और दीपिका की केमिस्ट्री का राज है इनकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग। जी हाँ, शाहरुख और दीपिका आजकल एक अच्छे दोस्त की तरह काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के प्रमोशनल प्लान को डिस्कस कर रहे हैं। और कल रात जूम ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को रात के 3 बजे एक रेस्टोरेंट में स्पॉट किया, जहां ये दोनों स्टार्स डिनर के लिए पहुंचे थे। इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त शाहरुख खान को हमने अपने कैमरा में कैप्चर तो कर लिया, लेकिन दीपिका किसी तरह से हमें चकमा देकर निकल गई। वैसे शाहरुख खान और दीपिका की बॉन्डिंग रिसेंटली फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के फर्स्ट लुक लॉन्च पर भी नजर आई थी, जहां शाहरुख खान दीपिका की और दीपिका शाहरुख को प्रेज कर रही थी। कैसी फिल्म बने, जो जर्नी की फिल्म होती है या रोड फिल्म जिसे कहते हैं, और उसमें जो इंटरेस्ट या द ऑब्जेक्ट नहीं बोलना चाहिए सॉरी, लेकिन द पर्सन ऑफ डिजायर
अगर वो खूबसूरत हो जो हैं दीपिका हैं या काम अच्छा करती हैं वो करती हैं, लेकिन एक स्पेशल मैजिक हो जाता है कभी कभी करते करते जो खुद भी नहीं मालूम पड़ता जब फाइनली फिल्म आती है, तो आई थिंक दीपिका इस फिल्म में मैजिक है. ऑलवेज आई मीन ही इज ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव. ही इज समवन हु इज यू नो प्रेज आई टेक सीरियसली. ही इज समवन हु इज समवन हु इज क्रिटिसिज्म आई टेक वेरी सीरियसली. एंड there are very few people who I believe in this industry who whose opinion to me matters, and his is definitely one of them. Well, we hope in dono stars ki ye bonding on screen bhi nazar aaye aur Chennai Express ban jaye ek super hit film. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. फिल्म लुटेरा की शूटिंग के दौरान एक पर्टिकुलर सीन को शूट करते वक्त क्यों एम्बैरस हुए विक्रमादित्य मोटवाने और रणवीर सिंह, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. फिल्म लुटेरा में सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह के इस लव सीन को शूट करते वक्त डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने और रणवीर सिंह दोनों ही काफी एम्बैरस्ड हो गए. जी हाँ, सोर्सेज की माने तो इन दोनों विक्रम और रणवीर के इस एम्बैरसमेंट की वजह थी सोनाक्षी सिन्हा की मॉम पूनम सिन्हा. दरअसल सोनाक्षी की मॉम पूनम ने उन्हें ये साफ कह दिया था कि सोनाक्षी फिल्म में कोई इंटीमेट सीन्स नहीं करेंगी, और यही वजह है कि स्क्रिप्ट की डिमांड पर जब फिल्म लुटेरा में इन सीन्स को फिल्माने की बात हुई तो सोनाक्षी की मॉम फिल्म लुटेरा के सेट्स पर पहुंच गई, और इसी वजह से रणवीर सिंह और विक्रमादित्य मोटवाने एम्बैरस्ड हो गए. वैसे पहले भी ऐसी खबर आ चुकी है कि सोनाक्षी की मॉम अक्सर सोनाक्षी के फिल्म के सेट्स पर मौजूद होती है, और सोनाक्षी भी एक अच्छी डॉटर की तरह अपनी मॉम की बात मानती है. लेकिन फिल्म के सेट्स पर हर वक्त उनकी मौजूदगी सोनाक्षी के कोस्टार्स को अनकंफर्टेबल कर देती है. ऐसे में अब इस मामा'स गर्ल को डेफिनेटली अपने मॉम से बात करने की जरूरत है. फॉर इनका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जॉन अब्राहम और उनकी मॉम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. रिसेंटली एक्टर जॉन अब्राहम अपनी मॉम के साथ पहुंचे एक इवेंट पर, और यहां जॉन और उनकी मॉम ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात. टेक अ लुक. बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम आज इंडस्ट्री में जो भी मुकाम उन्होंने पाया है उसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत लेडी है जो आज हमारे साथ में है और उनसे बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उन्हें वेलकम करते हैं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मौका है, बहुत ही स्पेशल मौका है हमारे लिए और आपके लिए होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, वेलकम टू जूम. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हमसे बात करने के लिए, हमें टाइम देने के लिए. एंड जॉन, वेलकम टू जूम. वेरी स्पेशल मोमेंट, लाइक हम काफ़ी टाइम के बाद हम ऐसा देख रहे होंगे कि लाइक सन एंड मदर साथ में होंगे, और ऐसा बहुत कम देखने मिलता है. किस इनिशिएटिव के साथ आज इतना आपको अच्छा मौका मिला साथ आने का? आज के तारीख में जितने सारे यंगस्टर्स हैं अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मौका था यंगस्टर्स को दिखाने के लिए कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, और मॉम्स को स्पेशली, क्योंकि जब भी वो उनकी शादी हो जाती है, जब भी वो माँ बन जाते हैं तो उनकी जो ड्रीम्स होते हैं कुछ करने का वो सब भूल जाते हैं. सो आई जस्ट थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट, और इसलिए मैंने मॉम को भी कहा कि बहुत अच्छा मौका है, लेट्स डू दिस. मैम, व्हाट इज योर फर्स्ट? मॉम बहुत शाय है, वेरी वेरी शाय. आई मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक प्रॉक्टर एंड गैंबल ओनली पीएनजी फॉर दिस ओकेजन, बिकॉज काफ़ी टाइम होता है जो हम लोग को जो करना चाहते कर नहीं सकते, और आज मौका मिला उन्होंने दिया जॉन के साथ जो खेल सके साथ में, वो बहुत ही अच्छा ये था. तो इट्स वाज वेरी नाइस. एज एन एक्टर जॉन आज इंडिया के नंबर वन स्टार बन गए हैं, प्रोड्यूसर आल्सो, जो उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट हो गया है. पहले बचपन के बारे में हमें कुछ बताइए जॉन के, जो हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि बहुत शाय किस्म के हैं. बट ही वाज क्वाइट अ बोल्ड बॉय, प्ले, लव्स टू प्ले एंड ऑल दैट, रीड, ही वाज जस्ट अ ऑलराउंडर. आई हैड नो प्रॉब्लम. ऐसे कोई इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया हो जहाँ पर आपने मस्ती की हो? और नहीं, मस्ती तो दोनों भाई झगड़ा करते हैं तो नेचुरली टप टप तो मिलता ही है. और टीचर ने कहा मम्मी को एक बार? या एक टीचर, सेकंड स्टैंडर्ड, दैट वाज. व्हाट डिड शी से? जॉन मींस 24 है, ग्रे है इन द डे. इतना टेंशन है ऑब्वियसली, इतना टेंशन है. ओके, एंड पहली बार जॉन को आप ऐसा कब लगा कि यू नो जॉन ने आपसे आके शेयर किया हो कि मॉम मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे इंडस्ट्री में जाना है, एंड व्हाट इज़ योर फर्स्ट रिएक्शन पहली बार उन्होंने आपसे आके डिस्कस किया? एक्चुअली ये सब वो व्हेन ही वाज वर्किंग, ही वाज अ मीडिया प्लानर, इज डन हिज मास्टर मैन स्टडीज, सो ही वाज अ मीडिया प्लानर, एंड ऑल हैपेंड बाय चांस.
then he was modeling, then movie. So it's fine. सब by chance. All by chance. By like an accident. तो वो मौका नहीं मिला कि मॉम को बताने के लिए कि मॉम मैं ये प्लान कर रहा हूँ लाइफ में, वो प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो पूरी लाइफ थी उस टाइम पे काफ़ी अनप्लान थी. मैंने पढ़ाई की MBA, उसके बाद सोचा मैं काम पे लग जाऊँ. काम पे लगने के बाद बाय चांस दिस ऑल हैपेंड बाय चांस मॉडलिंग, उसके बाद बाय चांस फॉर मी एजुकेशन वाज अ मस्ट एंड ही हैड दिस क्वालिफिकेशंस. कैमरामैन हरि और अमय के साथ शर्मा खान, जूम मुंबई. प्लानेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. एक्टर जावेद जाफरी काफी समय बाद रणबीर कपूर स्टार फिल्म बेशरम में एक विलेन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, और इस फिल्म के शूटिंग लोकेशन पर जावेद ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात. टेक अ लुक. बेशर्म की शूटिंग इन दिनों मुंबई के एक पुराने मिल में हो रही है, और कुछ न कुछ पिक्चर्स इस सेट से मीडिया में लीक जरूर हो रही है. फिर चाहे रणबीर को अपने पेरेंट्स के साथ हमने स्पॉट किया है ऑन द सेट्स, या फिर रणबीर के पेंटेड चेहरों को ऑन द सेट्स. वैसे बेशर्म के इस ऑन लोकेशन पर हम पहुंच गए, जहां हमने इस फिल्म के विलन जावेद जाफरी से की एक्सक्लूसिवली बात, और जावेद से पूछा कि आखिर कौन सा सीन यहां हो रहा है शूट. ये क्लाइमैक्स हो रहा है फिल्म का, मारधाड़ हो रही है रणबीर के साथ में. हार्ड कोर जो हिंदी फिल्म के विलन होते ना, वो तो विलन है. Well, जावेद ने तो फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में जो शूट हो रहा है वो तो हमें बता ही दिया. Also, जावेद talked about how his look was carved for the film. Look, फिर हमने साथ में बैठ के डिसाइड किया. आईज, स्कार, वॉइस, गुड. हमने वी डिडंट वांट इट जबरदस्ती का यहाँ पे एक स्कार करके, तो सटल रखा है, यहाँ पे रखा है, एंड द स्लाइट वॉइस चेंज एंड द आईज गिव अ लॉट ऑफ make a difference. Ab baal chote kar diye. Also, while talking about his look and the film schedule, Javed was all praises for the film's actor Ranbir Kapoor. Ranbir bahut bahut acha sochne wala actor hai, sochta hai, uski knowledge filmon ki bahut hai, bahut dekhta hai filmein aur apne character mein ghus ke rehta hai, aur usne apne aap ko bada hi wo boy next door rakha hai jo appeal karta hai mere khayal se sabko, because wo body bana ke and larger than life or this good looking zabardasti, he is a very casual good looking guy, yeah. You know, he's not like I'm made up good looking, you know, that's to his advantage. So and that's worked, and he's got a huge fan following, or he'll grow hopefully, you know. Javed also thanked the film's director for casting him in such an outstanding role. I give a lot of respect and a lot of credit to Abhinay for at least thinking of me out of the box, because नहीं तो लोग वो बंद जाते हैं. अभिनय ने आई एम रियली थैंकफुल कि यार एटलीस्ट उसने मुझे ये मौका दिया है. इट्स अ वेरी बिग फिल्म, आई मीन यू कम टू मेक एंड द मूवी डज वेल ऑब्वियसली इंशाल्लाह, आई मीन नॉर्मली दिस काइंड ऑफ मूवीज दे सो यू पीपल रजिस्टर एंड से हां ओके व्हाई नॉट. Also, Javed says that he is now ready to play different kind of roles in the future. I'm fine, I'm open to anything, so I'm looking forward. Well, जब जावेद ने कहा that he would like to play different roles, we asked him which role is in his wish list. To this, he revealed to us saying that like Three Idiots, Boman Irani. If I was offered Three Idiots, I would choose to do Boman Irani, not Aamir Khan. For me, that's a performance. We hope Javed ki is wish ko jald se jald pura kar diya jaye, and after Bishan's release, we sure hope that we'll get to see more of Javed Jaffrey playing such different roles. For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai. To get the latest scoops and breaking news stories from the world of Bollywood, follow Zoom on Twitter. Our Twitter handle is @ZoomTV. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.